इसी प्रकार हमने अंधोप गांव में भी भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल वहाँ 37 दिन चली जी। और आप ताजे मानोगे मग्गू साहब, उस 37 दिन की भूख हड़ताल में 11 दिन को छोड़ के 26 दिन मेरे शरीर से पेशाब के रास्ते ब्लड चला। गर्मी के मौसम में बगैर पानी बगैर कुछ खाए पिए परमपिता परमात्मा लोगों की जो आशा थी उसकी वजह से मुझे ताकत मिली। और जब डीजी हेल्थ ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केहर सिंह रावत जो भूख हड़ताल में हैं या तो ये कल कोमा में चले जाएंगे कि शुगर लेवल 29 आ चुका है, या ये ऊपर चले जाएंगे। क्रिटिकल कंडीशन थी। एक विधायक का दायित्व होता है, सरकार खजाना लगाए अगर क्षेत्र में तो उसकी रखवाली करेगी। मतलब विधायक की कार्यप्रणाली इतनी लचीली रही, बेहतरीन नहीं नहीं रही। देहाती कहावत है कि सोते की झुटिया, सोते की पड़िया हाँ। और जागते की पड़िया और सोते का कटरा। तो आपका अगर मैं जो आप कहना चाह रहे हो उसको अगर मैं उसको परिभाषित कर दूं कि अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे और पार्टी अच्छे फैसले करेगी, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस जो भी है, उसी हिसाब से चुनाव का मुकाबला होगा, किसी साइड सिंगल साइड आप नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब 1 अक्टूबर को होंगे और 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता फैसला करेगी कि अगला हरियाणा का मुखिया कौन या हरियाणा में अगली सरकार किसकी। चुनाव को लेकर तमाम गतिविधियां इस समय जोरों पर हैं। राजनेता अपनी गतिविधियों में लगे हैं, डोर टू डोर कैंपेन से लेकर के और मैन टू मैन संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और इस सबके बीच एक कवायद है टिकट की, जिसको आप कह सकते हैं कि टिकट की दौड़, नेता उसमें भी लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ मुख्य बात आ जाती है कि अपनी बात आम आवाम तक, जनता तक पहुंचाना। और देश रोजाना हमेशा माध्यम बन रहा है इसका कि आपसे हम निरंतर उन जनप्रतिनिधियों से बात करा रहे हैं जो या तो जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक रहे हैं और या विधायक बनने की दौड़ में हैं। तो आज भी मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं अथीन से, विधायक रहे हैं 2014 में, पिछला चुनाव नहीं लड़े थे और अब की बार फिर से रेस में हैं, केहर सिंह रावत जी। रावत साहब आपका स्वागत है देश रोजाना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को जी। रावत साहब कैसी तैयारी हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के अच्छी तैयारी हैं जी। और अतीन का जो आम जन मानस है वो चाहता है कि अब की बार मुझे एक सेवा का मौका मिले, और जमीनी आधार पर भी और पार्टी के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ अब की बार क्षेत्र की जनता और शीर्ष नेतृत्व पार्टी का मुझे अब की बार मौका प्रदान करेगा। 2014 में आप विधायक बने पहली बार, 2009 में आपको टिकट मिला, आप कुछ वोटों से हार गए, पीछे रह गए, और 2014 में आप विधायक बन गए जी। विपक्ष के विधायक थे जी, विपक्ष के विधायक रहते हुए भी आपने अपनी हनक कायम रखी लोगों के बीच सेवा करने वाली जी। परिस्थितियाँ क्या बनी थी कि 2014 में आपने, जब समय अंत वाला आया, चुनाव के नज़दीक था, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी, क्या परिस्थितियाँ रही उस समय की? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सन 2018 अक्टूबर में जो गोहाना रैली थी, सम्मान दिवस जो चौधरी देवीलाल जी का मनाया जाता है जी जी, वहाँ पार्टी में विघटन हुआ, पार्टी के दो हिस्से बने और इंडियन नेशनल लोकदल में से एक और पार्टी निकल के JJP तैयार हुई जी। क्षेत्र की जनता ने 2 महीने के अंदर अंदर ये भांपा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है, आप हमारी राजनीति का एक हिस्सा हैं और हम चाहते हैं आगे भी आप हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करें, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी में जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने एक दिन मुझे विधानसभा में अपने केबिन में बुलाया, CM सूट में, और उन्होंने बात रखी कि विधायक जी आपकी और हमारी एक विचारधारा है और हम चाहते हैं आप बड़े अच्छे ढंग से काम करने की आपकी कार्यशैली है, हमने आपको विधानसभा में परखा है और क्षेत्र में भी आपकी अच्छी आवाज़ है, तो आप क्यों ना हमारी पार्टी में आ जाए। मैंने उनसे कहा कि जी मैं एक बार और थोड़ा समय चाहूँगा, एक बार मैं क्षेत्र के अपने सभी सहयोगी भाई हैं जो मेरे, मैं उनसे थोड़ा विचार विमर्श कर लेता हूँ। तो जब मैं क्षेत्र में 10 दिन का टाइम लेके आया, क्षेत्र के लोगों ने अपना एक ही मशवरा दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं। तो उसकी राय शुमारी किया, राय शुमारी,
और राय शुमारी के अनुसार ही मैंने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। मनोहर लाल जी ने आपसे कहा कि आपकी विचारधारा मिलती है जी। मनोहर लाल जी ने कहा कि आपको मैंने विधानसभा में बोलते हुए देखा, आप अच्छा बोलते हो जी। मनोहर लाल जी ने कहा कि आपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं जी। आपने जनता की बात मानी या मनोहर लाल जी की बात मानी, मैं कह रहा हूँ दोनों की बात आपने मान ली और आप चले गए बीजेपी में। बीजेपी में टिकट नहीं मिला आपको, नहीं कोई टीस तो रही होगी। देखो, हर आदमी जो जमीन पर मेहनत करता है, जो किसान अपने खेत में मेहनत करता है और उसे उसका मेहनताना नहीं मिलता, तो उस किसान को मेहनताना भी तब जब आप बंजर जमीन पर मेहनत कर बंजर जमीन पर मेहनत कर जब आप भारतीय जनता पार्टी में गए तो उस समय पर भाजपा की कंडीशन ये थी कि उससे पहले कभी कोई विधायक नहीं बना था जी। जी जी केहर सिंह जी, आपको लगता नहीं था कि उस समय कोई गलती हो गई क्या, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में आपने मदद की जी, फिर आपने विधायकी छोड़ करके रिजाइन दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जब टिकट नहीं मिला, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि जब किसान मेहनत करता है, मैंने साथ में एक बात जोड़ी कि जब बंजर जमीन पे मेहनत करता है जी, तो आपको उस बात की कोई लगा कि भाई कोई गलती हो गई या आखिर ऐसा क्यों हुआ, कोई चिंतन मनन हुआ उस टाइम, मंथन आपने किया हो, कोई बात सामने आई हो? कई बार देखो, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे एक बहुत लोकप्रिय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी नीतियों से पूरा प्रदेश आज भी लाभान्वित है। पूरे देश जहाँ डिजिटल इंडिया की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन सबसे पहले हरियाणा प्रदेश को डिजिटल बनाने का काम खट्टर साहब ने किया। कुछ राजनीतिक कारण हो जाते हैं जी, और राजनीतिक कारण पहल के दिन मेरी टिकट भी जो डिक्लेयर भी हो चुकी थी 19 के चुनाव में 29 तारीख को, लेकिन 30 तारीख को कुछ राजनीतिक हालात ऐसे बने जिसमें मेरी इन वक्त पर टिकट कटी। लेकिन क्षेत्र के हालातों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने एक आवाज निकाली थी क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसको वोट देना। अच्छा, और मैंने जैसे अब की बार मैं और मेरे बच्चे एक एक घर में हम वोट के लिए अपील कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे, उस समय भी हमने ये किया था और मुझे यकीन भी था कि टिकट मुझे मिलेगी। कोई वादा वादा था उस टाइम पर कि आप आ रहे हो तो आपका ध्यान रखेंगे, टिकट देंगे, ऐसी कोई बातें भी हुई थी क्या? हाँ, हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चिंता ना कर, आपको इलेक्शन भी लड़ाएंगे, सारी चीज आपको पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी, निश्चित तौर पर आपको हम आगे रखेंगे। लेकिन फिर भी एक ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, और हालात बन जाते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ परिवार में भी आ जाती हैं और राज्य को चलाने के लिए भी उसमें भी ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन वक्त बीता, आप आध्यात्मिक आदमी भी हो, ये मानते हो कि वो आपके कर्म में नहीं था, भाग में नहीं था, कुछ ऐसा ही? हाँ, ये आखिर यही आकर के सोचना पड़ता है कि भाग बड़ा है जी। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी कहा है कि जो कुछ लिखा लेलार में ना वाकु मेटन हार, जो मेरे लिखा लेलार में लिखा हुआ उसे कोई नहीं मिटा, कि मस्तक में भाग में जो लिखा हुआ है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और अब की बात, क्यों ये नौ की राशि मेरे लिए पहले से बड़ी दुखदाई रही। अच्छा, इन पे विश्वास करते हो, ज्योतिष पे, आंखों पे, ज्योतिष प्रमाण है? अच्छा, सन 2009 में मुझे टिकट मिली, मैं हार गया। सन 2014 में मुझे टिकट मिली, मैं जीत गया। सन 2019 में वक्त आया, फिर मुझे टिकट ही नहीं मिली। मतलब वो 9 में टिकट मिली तो हार गए, इस 9 में 19 पीछे, मतलब 9। लेकिन अब ये 24 है, इसके पीछे 4 है। हाँ, तो अब की बार मेरे भविष्य में कहीं ना कहीं 4 चांद लगेंगे जी। मतलब उम्मीद है कि उम्मीद है। केहर सिंह जी, अभी आपने कहा कि ललाट में जो लिखा है आपने चौपाई में, तो नहीं बोल पा रहा हूँ पूरी जी, जी। कितनी उम्मीद लग रही है अब की बार आपको, और क्या 2019 और 24 में अब आप क्या बदला? देखिए, उस समय आप विधायक थे जी, जब आप इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ के बीजेपी में गए, आज तो उनके पास विधायक पहले से ही हैं। देखो, उस समय के हिसाब से मैं भी एक विधायक था, लेकिन माननीय हमारे विधायक जी प्रवीण जी को अपना भाग अजमाने का अवसर मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं, सारी चीज़ का आकलन करते हुए पार्टी जब निर्णय लेती है तो वो सारी बातें माननी पड़ती हैं। आज उस बात से मुझे नहीं लगता कि जो जनता जनार्दन के बीच में मैंने लगातार जो मेहनत की है, जनता चाहती है कि केवल एक ही इंसान ऐसा है
चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 24 घंटे और 12 महीने अगर कोई हमारे दुख में आता है तो केवल केहर सिंह है। केहर सिंह जी, आरोप लगता है आप पर एक बात का जी, आप भारतीय जनता पार्टी में आपने टिकट 2019 में मांगा, नहीं मिला। 24 का चुनाव अब फिर आ गया, 5 साल हो चुके, अब फिर टिकट आप बीजेपी से मांग रहे हो जी। लोग ये कहते हैं, आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप पार्टी में रह करके भी पार्टी के नहीं रहे, ऐसी कोई बात है कभी क्या? मैं पार्टी में रह करके पार्टी का ही हूँ। जहाँ भी पार्टी ने, चाहे बड़ौदा इलेक्शन हो, इलाहाबाद इलेक्शन हो, नगर पालिकाओं के इलेक्शन हो, पंचायत में जहाँ मेरी उन्होंने मदद मांगी, और मैं हथीन मंडल का एक पालक भी हूँ जी, और जहाँ पार्टी ने जिस समय मेरी ड्यूटी लगाई मैंने अपना कार्य बखूबी निभाया। और ये तो विरोधी होते हैं, उनकी अपनी एक भाषा होती है दूसरे को नीचा दिखाने की। अगर वो अपने दिल पे हाथ रखेंगे ना और सोचेंगे कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है, वो रात को उन्हें सपने में भी मैं ही याद आऊँ। आप ये भी कह सकते हो कि अगर ऐसा ही कुछ होता तो पार्टी छोड़ देता फिर, ऐसा भी देखो कहा जा सकता है? राजनीति स्वच्छता से होती है, बिल्कुल ठीक, और अपने लोगों के समर्थन से होती है, उनके सहयोग से होती है। और मेरे जैसा आदमी जिसकी ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो परिवार की, मुझे जो राजनीति करवाई है वो क्षेत्र के लोगों ने कराई जी। और क्षेत्र के लोगों ने मुझे 2 बार टिकट मिली, मेरे जेब में 10 पैसे का भी इंतजाम नहीं, ठीक बात है। लोगों ने मुझे नोट भी दिए, लोगों ने मुझे वोट भी दिए। और धरती पर एक ऐसा इलेक्शन सन 2014 में लड़ा गया जिसमें रात और दिन मैं रात के 2 बजे भी पूरा गांव जागता, जहां मैं जाता, ऐसा माहौल बना। 24 का चुनाव था आपका, बिल्कुल हाँ। और 28 दिन मेरे क्षेत्र की जनता ने 28 दिन मुझे लगातार जो जन समर्थन दिया, ना मैं सोया ना मैं क्षेत्र की जनता सोई। उन्हें जब इतनी खुशी मिली, छोटे छोटे किसान जो अपनी कपास बीन करके मेरे इलेक्शन में लगाए, किसी ने दूध बेच करके लगाया, किसी साथी ने कहीं आड़ेती से कहीं बैंक से लोन लेकर के मेरे इलेक्शन में पैसे लगाए, शायद ही इस पृथ्वी पर कोई ऐसा आदमी हो जिसे इतना बड़ा मतलब इतना उपकार रहा आपको, आपकी क्षेत्र की जनता का 2014 में। 14 सेकंड कौन रहे थे उस चुनाव में आपके सामने? सेकंड उस समय चौधरी हर्ष कुमार जी रहे, बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट हाँ। और तीसरे चौथे नंबर पे जलेब खान जी और तैयब हुसैन जी थे, उनमें 50-60 वोटों का ही अंतर था। कांग्रेस तीसरे पे थी, यानी किसका मतलब कांग्रेस तीसरे पे थी, तैयब हुसैन चौथे पे थे, चौथे पे लगभग 50 वोटों का डिस्टेंस। पहले तो केहर सिंह जी ये बताएं, एक तो सवाल ये कि हथीन को लेकर के जो आपने कोई सपने बुने होंगे जी, क्योंकि छात्र समय से आप राजनीति में आ गए थे जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि हमेशा आपकी रही, गांव में रहते थे जी। 2009 में आपको टिकट मिली, चुनाव जीतने का मौका नहीं मिला, चुनाव हार गए, हार गए। 2014 में जीतने का मौका मिला, सरकार में आप शामिल नहीं हुए, नहीं हुए। अंत के कुछ दिन ऐसे हुए कि जब आप सरकार में भी शामिल हो गए, मैं उस समय विधायक नहीं रहा, उस समय विधायक नहीं रहे जी। कुछ ऐसा लगता हो कि ये काम जरूरी है, होने चाहिए, क्योंकि मैं मानूं तो 10 साल से आपकी सरकार है जी, क्योंकि आप भाजपा के हो, आप 2014 में आपकी सरकार नहीं थी, आप विधायक तो थे ही जी, अब सरकार लगातार आपके सरकार में आप पूर्व विधायक रहे जी। आपको ये लगता हो कि ये वाले काम हथीन में रह गए, ये करने चाहिए थे, चूंकि कौन से ऐसे आप काम दिखाई देते हैं? हमने क्षेत्र अपना ग्रामीण है और 90% आबादी वहाँ की खेती पर आधारित है, और खेती के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। आज हथीन क्षेत्र का किसान पानी से वंचित है, और जो पानी आता भी है वो दूषित पानी है, जिसके कारण जमीन बंजर होती जा रही है, ना उसे पक्षी पी सकते हैं, ना पशु पी सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे बना करके भेजा तो हम पलवल बैराज का निर्माण कराएंगे, ताकि हमारे पूरे क्षेत्र को और यहाँ तक है कि नूह के भी एक बहुत बड़े हिस्से को शुद्ध पानी मिल सके। यानी कि बैराज कहाँ बनना चाहिए? ये पलवल में बनेगा जी, और यमुना पर थंतरी एक गांव है वहाँ जी, जी। दोनों तरफ हरियाणा पड़ता है, अगर वहाँ बैराज बनता है, नहरें हमारे पास वर्तमान में मौजूद है, वहाँ से लिफ्टिंग करके पानी को हम अपनी गुड़गांव डिस्ट्रीब्यूटरी में डाल सकते हैं, वहाँ से हम आगरा कैनाल में पानी डाल सकते हैं, जो आगरा कैनाल से निकलने वाली हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी है, हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी है, होडल डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो करीब 28-29 ऐसी छोटी बड़ी माइनर हैं, उनके माध्यम से हम पानी
अंतिम टेल तक पहुंचा। ये तो पानी की बात हुई, सिंचाई के पानी की, सिंचाई पीने के पानी की समस्या भी इससे हल होगी। एक बात आती है केहर सिंह जी, जरूर जी, सरकार आपकी अब भी थी क्या बुलंदी आवाज पहुंचाई नहीं आपने इस 10 साल के अरसे के अंदर, इस खासकर पिछले 5 साल में, खासकर अगर मैं कहूँ तो आपको? देखो, क्षेत्र में हमारे माननीय प्रवीण डागर जी विधायक थे और उनकी जिम्मेदारियां थी है अभी कि क्षेत्र के जनता की आवाज वहां तक पहुंचाई जाए, और अब वो पहुंचाई उन्होंने या नहीं पहुंचाई इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए किसान में एक ही लालसा थी कि हमारी आवाज केहर सिंह ने उठाई। हमारी मुझे ध्यान है कि सेम के और पानी की समस्या के लिए आपने भूख हड़ताल भी की थी, कई दिन की वो आपका अनशन चला था। अपनी दो बार भूख हड़ताल हमारी हुई अपने क्षेत्र में, एक बार मंडकोला गांव में 18 गांवों की जो सेम की समस्या है, जहां 20,000 एकड़ जमीन खराब हो, सेम की समस्या की वजह से खराब थी। 11 दिन हमने भूख हड़ताल मंडकोला गांव में बैठ के की, और उस समय सरकार ने हमारे 52 ट्यूबवेल मंजूर किए। उनके ट्यूबवेल वो हाँ लगे भी हैं मेरे टाइम में उनके, क्यों ट्यूबवेल लगाने से पहले उसके सैंपल ले सैंपल लिया जाता जी, कि जो पानी जमीन में से निकाला जाएगा उसमें कैसे लवण है, कहीं वो पशु पक्षी या किसी मानव जाति के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। तो वो सैंपल भी मेरे टाइम में चालू हुए जी। और उसके बाद प्रवीण डागर जी बने और अब तक 34-35 ट्यूबवेल हो भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऐसे अधिकारी बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं विधायक जी भी मेंटेन नहीं कर पाए, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं मोटर फूकी रहती है, कहीं सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने पूरा बजट लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें करना चाहिए था, एक विधायक का दायित्व होता है, सरकार खजाना लगाए अगर क्षेत्र में तो उसकी रखवाली करेगी। मतलब विधायक की कार्यप्रणाली इतनी लची नहीं रही, बेहतरीन नहीं रही। देहाती कहावत है कि सोते की झुटिया, सोते की पड़िया और जागते की पड़िया और सोते का कटरा या वही वाली बात रही अधीन के साथ। सरकार भी थी जी, जाग भी रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि उस तरफ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं खामियां, पूरा ध्यान नहीं था ये कहीं है। इसी प्रकार हमने अंधोप गांव में भी भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल वहाँ 37 दिन चली जी। और आप ताजे मानोगे मग्गू साहब, उस 37 दिन की भूख हड़ताल में 11 दिन को छोड़ के 26 दिन मेरे शरीर से पेशाब के रास्ते ब्लड चला। गर्मी के मौसम में बगैर पानी बगैर कुछ खाए पिए परमपिता परमात्मा लोगों की जो आशा थी उसकी वजह से मुझे ताकत मिली। और जब डीजी हेल्थ ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केहर सिंह रावत जो भूख हड़ताल में हैं, या तो ये कल कोमा में चले जाएंगे कि शुगर लेवल 29 आ चुका है, या ये ऊपर चले जाएंगे। क्रिटिकल कंडीशन थी, विकट कंडीशन, या ये ऊपर चले जाएंगे। हुड्डा मुख्यमंत्री थे, नहीं नहीं जी खट्टर साहब, अच्छा मनोहर, अभी इसी सरकार में 1419 वाले में। तो उनको लगा कि या तो ये ऊपर चले जाएंगे या कोमा में चले जाएंगे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र को ये सौगात दी और 150 करोड़ के करीब जी हमारी जो नहरें पक्के करवाने का काम किया, और गौसी ड्रेन के ऊपर भी एक पंप सेट लगाने की भी मंजूरी दी थी जो लग भी चुका है, लेकिन वहाँ एक ब्रेकर लगना है, जैसे ड्रेन में होता है वहाँ रुक जाएगा पानी, 15 दिन हम पानी हथीन क्षेत्र को दें और 15 दिन पानी हम आगे हुसैनपुर को दें। यही हमारी सोच थी, ये नहीं कि भाई हथीन को सारा पानी मिले, 15 दिन पानी हमें मिल जाए, 15 दिन होडल को मिल जाए, वहाँ का किसान भी खुशहाल हो, ठीक बात बिल्कुल, और हमारे किसान को भी पानी मिले बिल्कुल। ये सरकार ने 7 करोड़ की योजनाएं पास की, लेकिन इस मामले में भी कहीं जो लचीलापन रहा है उसके किसान आज भी अपने आप को ये महसूस करता है, अगर केहर सिंह होता तो हमारे आज अंतिम टेल अंतिम खेत तक पानी पहुंचता। जी जी, अच्छा चलिए, एक तो पानी का हुआ, पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है अधीन शिक्षा के मामले में जी, कॉलेज खुल गए जी, स्कूल खुल गए, सरकारी स्कूल भी हुए, बट व्यवस्था चौपट। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार, हम सीएम साहब ने, मनोहर लाल जी ने मुख्य कार्यकर्ताओं का अपने आवास पर बुलाया। उस दिन मैंने सुझाव के तौर पर, एजुकेशन डायरेक्टर भी वहाँ थे, मैंने उनसे पूछा कि डायरेक्टर साहब आप सभी यहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, हरियाणा का बजट कितना है एजुकेशन का? डायरेक्टर साहब ने वो बोल पाए, मैंने कहा 12,000 करोड़ का, और आज सरकारी स्कूलों से जो लोगों की आस्थाएं अट रही हैं,
बच्चों के जो परिणाम उनके भावनाओं के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं। कारण सबसे पहले आप प्राइमरी से लेकर के और बारहवीं क्लास तक एक सिस्टम तैयार करें कि उस महीने में हमें इतना सिलेबस तैयार करवाना है सरकारी स्कूलों में, इस हफ्ते में ये कराना है, अगर इस हफ्ते में 5 दिन हम पढ़ाएंगे, 6ठे दिन हम उसका रिवीजन करेंगे, और अगर बच्चे उसकी कहीं ना कहीं उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, पढ़ाएंगे तब, टेस्ट तब लोगे जब टीचर होंगे, टीचर तो है ही नहीं विधायक जी, उसके लिए भी मैंने अध्यापक नहीं है, कॉलेज है तो प्रोफेसर नहीं है, उसके लिए भी मैंने एक अच्छी योजना बनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास अपने गाँव में एक स्कूल है जी जी, जिन जो हमारे पास टीचर हैं उनको एक तरफ भेज दें, बाकी हम एक स्कूल में एक सोसाइटी बनवाएं जो बच्चे हमारे एच टेट पार्ट है, सी ए टी कर रखी है, सी टेट पार्ट पास हैं, बीएड वाले बच्चे हैं जी, ऐसे बच्चों को बुला करके हम केयर सिंह से उम्मीद ज्यादा यूं है कि केयर सिंह शिक्षा के पेशे से जुड़े रहे हैं जी, केयर सिंह के पिता भी अध्यापन कार्य से थे, आप भी अध्यापन कार्य में रहे, इसलिए आपसे उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी से कह रहा था जो 12,000 करोड़ का बजट है आप देखो, चलो आज हरियाणा प्रदेश में एक बच्चे के ऊपर सरकारी स्कूल में सरकार 15,000 रुपए खर्च करती है, उसके बावजूद भी स्कूल की तरफ लोगों का रुझान नहीं है सरकारी की तरफ, रुझान का बनेगा जब वहाँ टीचर होंगे। हमने यही बात कही कि आसपास के गांवों के बच्चे बुला करके उनके भाई एक सोसाइटी आप बनाओ और इस स्कूल को आप चलाओ, उसमें गांव के बच्चे नहीं होने चाहिए, मतलब बजट सरकार वहाँ दे, सरकार उन्हें आज एक फिक्स कर दे भाई हम आपके स्कूल के बच्चों को हर बच्चे के ऊपर 3,000 रुपए खर्च करेंगे और वो सोसाइटी के माध्यम बिल्डिंग है, वो सोसाइटी के माध्यम से चलेंगे, बच्चों को अध्यापक मिल जाएंगे, सरकार को पढ़ाने के लिए अध्यापक मिल जाएंगे और व्यवस्था सुधर जाए। ठीक बात है, और फिर जब वो लोकल बेरोजगारों को आसपास के होंगे लोग, हाँ जी, उनकी नैतिक दायित्व भी बन जाएगा, लायबिलिटी भी होगी, लोग भी उनसे कहेंगे कि मास्टर जी भैया बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं आपने। चलिए, ये शिक्षा की बात हो, ये सुझाव अच्छा था जी, चलिए अगर आगे कुछ होता तो शायद सरकार आपके सुझावों को माने जी। तीसरी बात आती है हेल्थ जी, आपका हथीन का एरिया मैंने भाई दोबारा कह रहा हूँ फिर पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, हथीन में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा अगर मैं वोटों की बात करूँ तो वे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। यस, इसके अलावा फिर जो अदर मैं देख लूँ उसको, हालांकि सेहत शिक्षा स्वास्थ्य ये सब जातियों में नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, धर्मों में नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, लेकिन फिर भी एक रेशो जब गिना जाता है तो आती सामने बात जी, खासकर मेव मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा की कमी है। अगर हम हिंदू समाज की बात भी करते हैं तो उसके अंदर भी जो दूर दराज पिछड़े हुए गांव हैं वहां पर भी शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो शहरों के अंदर है जी। जब शिक्षित नहीं होंगे बच्चे या जब महिलाएं शिक्षित पूरी तरह से नहीं होंगी तो फिर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं जाएगा जी। एनीमिक समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती है, खून की कमी जी, कई बार गर्भवतियों की जान चली जाती है और सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग तो बना दी, अस्पताल की बिल्डिंग तो बन गई, ना दवाइयां हैं ना डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं तो फिर मशीन नहीं है, मशीन नहीं है तो फिर ऑपरेटर नहीं है, मशीन आ जाती है वो जंग खा जाती है, इसको लेकर के भी कोई आपके मन में कोई आता है कुछ भाई ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जैसे आपने कहा अध्यापन कार्य के लिए। मग्गू साहब, जहाँ हेल्थ को लेकर के हम बात करेंगे, केवल व्यक्ति का इलाज ही नहीं, और अपने कांग्रेस के समय में हमारे कई ऐसे सीनियर डॉक्टर रहे जिनों की गाड़ियों में MLR की कॉपियाँ होती थी, और हथीन क्षेत्र में बीमारी से ज़्यादा जो बीमारी पैदा करी उन लोगों ने करी जिन्होंने झूठी MLR काट करके हजारों लोगों को जेल के अंदर डलवाया। आज मैं कह सकता हूँ किसी डॉक्टर की ये ताकत नहीं है कि वो फर्जी MLR काट सके। हमारे हथीन में खून टेस्ट करने की भी व्यवस्था नहीं थी, आज हथीन में बहुत सारी व्यवस्थाएँ हुई हैं। पलवल हॉस्पिटल की बात करोगे जो हमारा सामान्य हॉस्पिटल जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी डेली करीब करीब वर्किंग डे में 2,500 OPD होती हैं, तो व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हैं। जितनी सुधरी संतुष्ट हूँ उससे? संतुष्ट अभी नहीं हूँ, अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने भी कई बार एक बात रखी सरकार, मिंडगोला में आपकी CHC बनी हुई है, वो काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में पड़ी है। आपके विधायक का गाँव है वो, आप ताजे मानोगे उसके जीर्णोद्धार के लिए मेरे समय में ही फंड दिया गया था, और उसके बाद
कैसे लचीलापन रहा? जहाँ तक मुझे ध्यान आता है मानपुर में PSC है। मानपुर में अभी नांगलजाट में PSC नांगलजाट। आपका गांव है नांगलजाट? मेरा गांव नांगलजाट। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी की? वहाँ व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी रही, अब पूरी, लेकिन कुछ ऐसी खामियां रही वहाँ। उसके बाद मैंने कई बार रिटर्न में भी दिया, CMO साहब से भी अलग मिले कि बाउंड्री गिर चुकी है, इसका बाउंड्री को आप बनाएं। और डॉक्टरों के जो आवासीय व्यवस्था थी वो भी कंडम हो चुकी है। और PSC लेवल पर जो हमारी AHM और जो नर्सें बहन जी हैं जो डिलीवरी कराती हैं, किसी समय नांगलजाट पहले नंबर पर डिलीवरी हट हुआ करती थी, वो सब बंद हो गई। वो सब हो क्यों? वहाँ पर उनके रेजिडेंस की सुविधा नहीं है, इस वजह से वहाँ से विधायक के गांव की CSC चली नहीं। हाँ जी, पूर्व विधायक के गांव की PHC कंडम। स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हो खराब? देखो स्वास्थ्य सेवा खूब दे दिया कि खून की जांच हो रही है जी, अब पलवल में OPD 25 हो रही है। आपके बड़े गांवों के अंदर ये स्थिति है विधायक जी, कैसे आप कहोगे संतुष्ट हैं आप उससे? देखो वास्तव में वहां का आम आदमी इन बातों को लेकर के परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी बातों के लिए विधायक बनता किस लिए है? सारी चीज मुख्यमंत्री थोड़ी करेंगे। गाँव में सरपंच बनता है, लेकिन वार्ड में भी मेंबर होते हैं। जिस वार्ड के मेंबर को अपनी चिंता होगी कि मेरी वार्ड में लाइटें रहें, मेरे वार्ड में हर घर में पानी आए, मेरे वार्ड की हर नालियां साफ हों, मेरे वार्ड में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, डेली अपना कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी आए उनकी सफाई करे, ये व्यवस्था करनी वार्ड के मेंबर का काम है। इसी प्रकार 90 वार्ड हरियाणा में है, उनमें से 3 भी वार्ड है। 3 के वार्ड को देखेगा कौन? सिस्टम में कमी उसे सुधारेगा कौन? इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के कारण ही ये समस्या पैदा है। अगर थाने में या चौकी में वो इंचार्ज बेहतर ढंग से काम नहीं करता है तो तभी तो SP साहब के पास भीड़ रहेगी जी। आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी पूरे 9 विधानसभाओं को देखते हैं और हमारे भाई विधायक जी केवल 1 विधानसभा को देखते हैं। उनके लोग भी वहां जाकर के कृष्णपाल जी से अपनी बातें रखते, सांसद के पास जाते हैं। एक बार में एक SP साहब के पास गया मिलने पलवल में, बड़ी भीड़ बाहर। मैंने कहा SP साहब इतनी सारी भीड़ हो रही है, इसका कारण क्या है? उनकी जी लोगों की समस्या है, इन कारण ये नहीं है। उनकी जी क्या कारण है? कारण ये है जो आपका चौकी का इंचार्ज है, थाने का इंचार्ज है, जो DSP है हल्का, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। अगर वही सुन ले तो यहाँ तक ना, अगर वो सुनते तो ये भीड़ यहाँ ना होती। आपको मैं तब अच्छा SP मानूंगा जब उनसे कहो नीचे हिदायत दो कि आपके क्षेत्र की समस्या मेरे पास नहीं आनी चाहिए। आज हम केवल विधायक हैं, कर्मचारी भी सैलरी लेता है सरकारी, विधायक भी लेता है, किस चीज की? केवल जो हमारा सिस्टम है, चाहे एजुकेशन का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसकी जांच करें। मैं पूछूंगा इन विधायकों से कितने दिन स्कूलों में गए, कितने दिन हॉस्पिटल में गए, किसी डिपार्टमेंट को बताएं तो सही, उसमें सुधारीकरण के लिए उन्हें कहां दौरे किए। मतलब अधीन के लोग ये मान के सोच के चले कि अगर उनके पास केयर सिंह विधायक बन जाता है तो फिर जवाबदेही तय होगी। बिल्कुल तय होगी, जवाबदेही पूरी होगी। मेरा तो क्लियर है, अधीन क्षेत्र में जो भी कर्मचारी है अगर उसे अतीन में रहना है तो काम करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा और उसी दिन काम करना होगा। ये नहीं कि 2 दिन टलाओ, 7 दिन टलाओ, 2 महीने टलाओ। मेरा तो प्रण है अपना जी, या तो मैं बाहर हो जाऊंगा या वो बाहर हो जाएंगे, बाहर कर देंगे। मतलब क्षेत्र की जनता ये सोच ले कि अगर केयर सिंह होगा जवाबदेही होगी। खैर जवाब क्या समीकरण देख रहे हैं अधीन विधानसभा का, पहला सवाल, और दूसरा हरियाणा पे आऊंगा, क्या देख रहे हैं समीकरण अधीन विधानसभा का? 52,000 वोट के आसपास आपका लोकसभा कैंडिडेट चुनाव आपके विधानसभा क्षेत्र में हार गया। अब क्या देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? मग्गू साहब आपके सामने अधीन क्यों, आप पड़ोसी हैं, जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अधीन के आप नस नस से वाकिफ। अधीन में जो अब लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें कई तरीका का एक समीकरण था, जो कांग्रेस के लोग तो रहनी थे अपने प्रत्याशी के साथ, लेकिन इसमें बसपा के लोग जो कैंडिडेट रहे तैयब हुसैन जी और अपना जो उनका मुस्लिम मतदाता और बसपा का मुस्लिम मतदाता वो भी उस कांग्रेस के पास ज्यादातर गए। हर्ष कुमार जी भी इलाके के एक बड़े नेता हैं,
हर्ष कुमार जी के जो पक्ष की वोट है वो भी कांग्रेस के पास गई। तो इस प्रकार ये समीकरण 2019 में भी यही था, हर्ष कुमार भी कांग्रेस के साथ थे, तैयब हुसैन भीमसिका भी कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ थे। अब वही तो आप कह रहे हैं ना कि 2019 में 5000 के आसपास आपकी पार्टी जीत गई, अब 52000 से हार गई, यानी कि 57000 का गैप हो गया विधायक जी, ये तो कोई बात नहीं बनी। नहीं, मैं बताऊंगा आपको, देखो हर इलेक्शन अपना एक अलग महत्व रखता है। सन 2009 में भारतीय जनता पार्टी की हतीन में 650 वोट निकली विधानसभा में 2009 में। जब 14 में आए वहां से उनकी 38000 वोट निकली। समय और हालात, मतलब हर चुनाव अलग है। लेकिन आप तैयब हुसैन जी भी बड़े सशक्त नेता हैं। हाँ। और जनता में उनकी पकड़ है। हाँ। और वो इनेलो कैंडिडेट हैं, वो इनेलो और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं। हाँ। तो अब की बार ऐसा बात नहीं है। हाँ। अब तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे भूमिका में हतीन में दिखाई देगी। और जो इलेक्शन भी होगा वो ऐसा नहीं है कि एक तरफा होगा, बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन अंत में जीत भाजपा की होगी। भाजपा की होगी या भाजपा के टिकट पर केहर सिंह होगी तो होगी, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। और क्षेत्र की जनता जो चाह रही है, अब की बार पार्टी भी देख रही है कि भाई जिताऊ कैंडिडेट हों और जनता की जो अच्छी सेवा कर सके ऐसे लोग हों, उसमें जो सर्वे के आधार पर जो निकल के आएगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि उसमें कहीं मेरा नाम पहले नंबर पर होगा। चलिए अंतिम सवाल, हरियाणा के अंदर क्या माहौल देख रहे हैं, राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है? 10 साल हो गए आपकी पार्टी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इन्होंने पोर्टल के अलावा और कुछ नहीं किया, और बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हैट्रिक बनाएगी, यानी कि ट्रिपल बार तीसरी बार आ जाएगी। कांग्रेस का अपना दावा, क्या लग रहा है आपको, सिनेरियो है क्या पॉलिटिकल पूरे हरियाणा का? देखो जहाँ तक राजनीतिक जो विशेषज्ञ, 4 महीने 6 महीने पहले और तरीका के हालात थे, लेकिन आज हालात पूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सब कुछ डिपेंड, जब हम बारात लेकर के जाते हैं तो दुल्हा के ऊपर भी बहुत बड़ा डिपेंड है। अगर दुल्हा 376 हो, दुल्हाई चोर हो, दुल्हा भ्रष्टाचारी हो, तो उसकी बारात में जाना भी पाप। एक दूल्हे कह रहे हो कि 90 दूल्हे कह रहे हो? मैं 90 के 90 दूल्हों की कह रहा हूँ कि कैंडिडेट कौन पार्टी का कैसा प्रत्याशी आता है। हाँ। जनता उसे भी बहुत बड़ा महत्व देती है। हाँ। और क्षेत्र में करीब 40% लोग ऐसे हैं। हाँ। जो राजनीतिक पार्टियों को ना महत्व देके केवल हाँ। ये देखते हैं व्यक्तित्व किसके आते हैं, मिलनसारी किस आदमी के पास हम सरल तरीका से मिल सकते हैं, कौन हमारी बात सच्चाई से उठा सकता है, कौन ऐसा आदमी जो हमारी जेब नहीं काटेगा। तो इन सारी मतलब चीजों का एक बड़ा महत्व है। कैंडिडेट प्लस पॉलिटिकल पार्टी दोनों मिलकर के बनता है जीत का समीकरण। तो आपका, अगर मैं जो आप कहना चाह रहे हो उसको अगर मैं उसको परिभाषित कर दूं कि अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे और पार्टी अच्छे फैसले करेगी, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस जो भी है, उसी हिसाब से चुनाव का मुकाबला होगा, किसी साइड सिंगल साइड आप नहीं मान रहे अभी? नहीं मान रहे। देखो इसमें ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। और अनुशासन शब्द का मतलब, अनुशासन तो आपका दिख रहा है खूब विधायक जी, आपके कोई मंत्री कहाँ चलते हैं। आज आपकी रेवाड़ी में रैली थी, नायब सिंह सैनी जाने थे जी, आपकी बात ठोक रहा हूँ सिर्फ, बस अदरवाइज ना लें। तो अनुशासन तो राव इंद्रजीत सिंह ने मना कर दिया, रैली तक नहीं हुई, आपकी पार्टी का अनुशासन तो ऐसा है सब जगह। देखो मग्गू साहब, बड़ी पार्टी है और हर पार्टी में अब इस समय अनुशासन वाली बात नहीं, अब जो चल रहा है माहौल वो चल रहा है स्वार्थ वाला जी। हर आदमी चाहता है मेरा दबदबा कैसे बने, मेरा मेरे मुझे टिकट कैसे मिले। हाँ, हाँ, मेरे आदमियों को टिकट कैसे मिले। हाँ, 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 इस प्रकार के प्रेशराइज जो मामले चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो इधर उधर हारने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर पार्टी सारी बात को देखते हुए चरित्रवान लोगों को और अच्छे व्यक्तित्व के लोगों को आगे लाएगी और जिताऊ के लाएगी। उन्होंने, पार्टी ने अपने सतर पर, मैं कैंडिडेट हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता सर्वे कहाँ से हो रहे हैं और सर्वे हुए। हाँ, हाँ,
इतने बेहतर ढंग से सर्वे करवाए। अभी कांग्रेस वाले लोगों की आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि सर्वे वाले खरीद लिए, वो अब भी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। कमाल तो इस बात का है, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के कारण 15 साल से सत्ता गवा दी हो देश के अंदर, और अब भी भ्रष्टाचार की नींव उन पर आधारित है कि टिकटों में भी समीकरण सर्वे के आधार पर अपना ले दे के मामला कराओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर चौधिका से अपनी बात को लेकर के चलता है, और फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय जो नेतृत्व है और हमारे शीर्ष नेता जो हरियाणा के वो लेंगे, और निश्चित तौर पर आपके बार अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। तो यह विधायक, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, मैंने विधायक कह दिया शायद कुछ आगे, अच्छा ही होना है। पूर्व विधायक केहर सिंह रावत जो अगली तैयारी कर रहे हैं, हर बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और बड़े तकसीम से आपके साथ बात की। इस चर्चा के दौरान में यानी कि राजनीतिक लोगों से मुलाकात का ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।